भारतीय किसान यूनियन शंकर ने अत्याचार एवं प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार को बंद कराए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन भी जिलाधिकारी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सराहनीय कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी कंस व रावण हमारे प्रदेश में गंदगी फैला रहे हैं, जिन्हें चिन्हित करके कार्यवाही किए जाने की जरूरत है। इस दौरान मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र में डॉक्टर द्वारा अपनी नर्स के साथ बलात्कार किए जाने वाली घटना पर गहरी चिंता प्रकट की गई एवं दोषी डॉक्टर शहनवाज के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने, सरकारी कार्यालय में दलाली व रिश्वत बंद करने, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने सहित 8 सूत्रीय मांगों को उजागर किया गया। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भाग सिंह प्रजापति ने बताया, इस दौरान जिला अध्यक्ष हितेश कुमार यादव, मंडल उपाध्यक्ष तेजपाल सिंह, कलीम अख्तर, मेराज आलम, माजिद अली एवं रामपाल सहित अनेक पदाधिकारी शामिल रहे। मैं भारतीय किसान यूनियन से मंडल अध्यक्ष भाग सिंह प्रजापति। आज जो क्या कहें गेम साहब का है, क्या मामला आपका? इसका मामला यह है, हमारे प्रदेश में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी राम और कृष्ण के रूप में सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन में बैठा ये सारा भ्रष्टाचार, लाइनमैन, पुलिस और ये ट्रैफिक पुलिस जितना भी है, ऐसे दूर हैं जैसे ठंड गाय को दूते हैं जिसमें दूध नहीं निकलता। गरीब का इतना शोषण हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है कि अगर 2 आदमी बैठे जा रहे हैं ना, तो दिखा लाइसेंस, दिखा फलाना फलाना, और उनके परिवार का कहीं रह रहा है, उससे पूछा जाए कि तेरा परिवार भी तो होगा, तो इंडिया से बाहर थोड़ी होगा, उनके साथ भी हो रहा है। तो आदमी को ऐसा सोचना चाहिए कि ये भी मेरा परिवार है, कोई दवाई लेने आ रहा है, परेशान हो रहा है नहीं हो रहा, ये आपके सामने भी आया। तो हमारी आवाज़ है कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं और जो वो धरातल पर काम किया जाए और भ्रष्टाचार मुक्त करा जाए, और जैसे कि आज हमारे जिलाध्यक्ष के साथ हितेश कुमार यादव के साथ एसओ मुंडा पांडे बनकर इनसे 5,000 रुपये की मांग की है, इनके पास रिकॉर्डिंग भी आएगी, और तमाम ऐसे दलाल ऑफिसों में बैठे हैं, चौकियों में बैठे हैं, मेरा माननीय जिला इनसे पुलिस अधीक्षक से निवेदन है कि जितनी चौकी और थाने हैं इनमें रात को जाके एक बार कैमरे जरूर चेक करें कि ये फालतू आदमी रोज क्यों आ रहा है। भाई एक आदमी रोज आ रहा है चौकी में, वो क्यों आ रहा है? उसका कोई तो रीजन होगा, नहीं होगा, वो दलाल है और उसकी क्या सेटिंग है। और कोई भी कर्मचारी पुलिस का हो, वो अलग में जाके पब्लिक से बात नहीं करे, कोई दर्द है, परेशानी है, उसे थाने में आके बताए, बाहर जाए, चल भाई बाहर चल, वहाँ सेटिंग करी, पैसे लिए, चल दिया, काम हो गया। आपको क्या कहा डीएम साहब ने, क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा हमने आपका ज्ञापन लिया है और हम खुद इसे संज्ञान में लेकर इसे क्रियान्वित करेंगे और आपकी मांग को पूरा किया जाएगा, क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप पब्लिक के लिए कर रहे हैं।